आजुदर निवासी वीराराम मेघवाल अपनी बाइक पर सवार होकर बड़गांव से अपने घर यानी आजुदर की तरफ आ रहे थे। इसी दरमियान बड़गांव कस्बे के निकटवर्ती सड़क दुर्घटना में वीराराम मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई। अभी सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीवाड़ा की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पीछे देख सकते हो बड़ी संख्या में वीराराम मेघवाल के परिजन पहुंचे, आजुदर गांव के ग्रामीण पहुंचे हैं यहां पर और सीएससी की मोर्चरी में सबको रखवा दिया है। मेरे साथ में आजुदर ग्राम पंचायत के सरपंच विकास सोलंकी हैं। विकास जी, कैसे एक्सीडेंट हुआ, आप मौके पर गए थे क्या? मैं मौके पर तो नहीं गया था, लेकिन मुझे ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली तो मैं अभी हॉस्पिटल रानीवाड़ा आया। मतलब 7:30 बजे आसपास घटना की बता रहे हैं, मतलब घटना किस प्रकार से घटित हुई अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई वाहन से हुई या अन्य किसी प्रकार की घटना हुई है अभी जानकारी नहीं है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। गरीब परिवार से हैं वीराराम जी, पिताजी का नाम अगिराराम जी, निवासी आजुदर, इनके 5 बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है छोटा छोटा, बहुत गरीब परिवार से हैं। और मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ इस और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ इस मामले का तुरंत खुलासा किया जाए कि किस प्रकार की घटना घटित हुई है। भाई साहब आपका क्या नाम है? भरत कुमार। आप मौके पर गए थे उस समय जब एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, उसके बाद में कॉल आया था, उसके बाद में मैं और हमारे साथ में भतीजे वो हम दोनों वहीं मौके पर गए थे। उसके बाद में पुलिस भी पीछे ही आ गई थी। अच्छा, मतलब जब आप मौके पर गए तो वहाँ डेड बॉडी वहीं पड़ी थी? वहीं थी। आपको कैसा क्या प्रतीत हो रहा है, किसी किस वजह से हुआ? कोई अज्ञात वाहन या फिर कोई वाहन के हिसाब से हुआ है, क्योंकि सिर के इसी भाग में चोट आई हुई है, जो पूरा हुआ है सिस्टम वो इसी भाग में हुआ है सिर के। अब मौके पर पहुंच गए थे? फोन आने के बाद में हम पहुंच गए थे मौके। आपका क्या नाम है? मेरा दशरथ जी। अच्छा, आप कहाँ के आजुदर के? धामसिंह के। मेरे जीजा जी लगते थे। अच्छा जी जी, मुझे बताओ कि इनके परिवार में कौन कौन है, ये क्या काम करते थे बड़गांव? ये मोटर वेल्डिंग का काम करते थे। अच्छा, कितने सालों से बड़गांव में इनका व्यवसाय है? 5-4। तो आपको कब सूचना मिली? मेरे को 7:30 बजे सूचना मिली और मैं वहाँ आया तब तो पुलिस लेके आ गई थी। अच्छा, तो ये रोजाना अप डाउन करते? हाँ, रोजाना अप डाउन करते, रोजाना बड़गांव में दुकान थे। अच्छा, बड़गांव में दुकान थे, रोज आजुदर आते जाते? हाँ, आजुदर। अच्छा, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ लोग भी मौके पे गए थे, आपने भी इनके परिवार वालों से बात की जी, क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कोई वाहन है या मैं वहीं से आया, इस रास्ते से आया हूँ, वो जो घटना हुई है ये कोई साधन से हुई है, ऐसा सिर पूरा टूट गया है पीछे से, ज्ञानवान से कोई, वो तो कैमरे देखेंगे तब पता चलेगा। सर, आपकी प्रशासन से क्या डिमांड है? पुलिस प्रशासन से तो यही डिमांड है कि सत्य तक जाँच की जाए। परिवार मतलब बहुत गरीब है, परिवार बहुत गरीब है। आज की इस घटना से ऐसी कल भी एक घटना हुई थी और ऐसे महीने भर में काफ़ी बाइक से एक्सीडेंट से घटना होती है। मेरा सभी युवा साथियों से, सभी भाइयों से, सभी मित्रों से निवेदन है कि कृपया आप अपने बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, वाहन ज़्यादा तेज गति में नहीं चलाएं, आप सभी से मेरी अपील रहेगी। और इस प्रकार की घटना होती है, घटना होने के बाद जो परिवार पर बीतती है वो परिवार ही जानता है, तो मेरी आप सभी भाइयों से निवेदन है कि बाइक चलाते समय अपने हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। और जो ये घटना हुई है इसकी जांच में हम सभी प्रशासन से और मैं भी खुद पूरी हर संभव कोशिश करूंगा कि परिवार को सहायता पहुंचाई जाए। सरपंच साहब, परिवार बहुत गरीब है जी, बिल्कुल, लेकर आप क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि अब जो घटना हुई है वो तो बहुत दुखद घटना है जिसकी भरपाई हम और आप नहीं कर सकते। मैं दिवंगत आत्मा को नमन करता हूँ सच सच, और मेरी तरफ से, मेरे पंचायत के स्टाफ की तरफ से और मेरी तरफ से भी जो भी हो सके कल पूरी इसमें प्रशासन से मिलकर मैं हेल्प पूरी हर संभव सहायता के प्रयास करूंगा। तो ये थे आजुदर ग्राम पंचायत के सरपंच विकास कुमार सोलंकी और वीराराम मेघवाल के परिजन, जो फिलहाल सीएससी के बाहर यहाँ उपस्थित हैं या आए हुए हैं, क्योंकि वीराराम की बॉडी है वो रानीबड़ा सीएससी की मोर्चरी में रखवा दी गई है पुलिस प्रशासन ने, और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पड़ताल के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, इसकी पुलिस जांच पड़ताल के बाद ही खुलासा हो पाएगा। और यहां पे सरपंच हैं विकास सोलंकी ने, उन्होंने
गवर्नमेंट से और स्वयं ने भी कहा है कि परिवार बहुत गरीब है, हालत है, तो उनको देखते हुए हम इस परिवार की सहयोग आर्थिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से हम सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। रविंद्र सिंह उमट, रानीबड़ा।